गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उस दिन लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने आपको क्या बताया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स हमारे पास अगर जहाँ पे 1 ग्राम लेट वाटर है, अगर आपको इसका टेम्परेचर है जो वो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, तो हमें इसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसको कितनी हीट चाहिए थी। हमने लिखा था उस दिन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यही था, मींस अगर हमने 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है, तब हमें इसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 4.2 जूल। सिमिलरली हमने कॉपर का एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपके पास जहाँ पे कॉपर है 1 ग्राम, उसको आपने टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तब आपको उसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक हीट फॉर कॉपर वो थी आपके पास 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मीन्स कॉपर के लिए हमें 0.4 उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब वाटर है जो इस केस में नॉट कूल और हॉट रैपिडली। अब इस केस में इसको अगर ठंडा होना है वाटर को, तब भी इसको जल्दी से नहीं हो सकता। अगर इसको हमें हॉट करना है, तब भी ये जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको इतनी हीट जब उसके पास जाएगी 4.2 जूल, आफ्टर दैट उसके हॉट और कोल्ड होगा वो। बट इस केस में क्या है कि ये रैपिडली हीट और कोल्ड हो सकता है, क्योंकि इसको जो हीट चाहिए वो कितनी चाहिए, ओनली 0.4 जूल। तो जो वाटर है ये क्या है हमारे पास, इट इज गुड एब्जॉर्बर, ये गुड एब्जॉर्बर है। अगर ये इतनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इतनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर जो 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा। सिमिलरली अगर इसको हमने कूल करना है, कूल्ड करना है, तो इसको 4.2 जूल क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा हीट को, उसके बाद ये जाके कोल्ड होगा। बट इस केस में क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर, ये क्या करेगा, पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको क्या कर देगा, पास कर देगा। 0.4 जूल एनर्जी जब इससे पास हुई, देन इट डजंट एब्जॉर्ब, सो इट इज अ गुड कंडक्टर। सो हम अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हमें इसके लिए फॉर्मूला लिखना हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, तो हमारे पास क्या है, हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्यों क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, किसका रेज करना है, यूनिट मास 1 ग्राम मीन्स यूनिट मास, एंड कितना चेंज इन टेम्परेचर, यूनिट राइज इन टेम्परेचर। हमने यहां पे टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, सो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और जो ये टेम्परेचर राइज होगा दैट इज पॉजिटिव, एम क्या है यहाँ पे मास, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वेयर एम क्या है हमारे पास मास, सी क्या है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज अवर मास, और डेल्टा टी क्या है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, और जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर में दैट शुड बी पॉजिटिव। दिस इज द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब्ड, हीट रिलीज और एब्जॉर्ब्ड। सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर आपके पास कहीं पे है पावर, पावर क्या होता है आपके पास, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। सो जो वर्क डन होता है वही हमारा किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में, विच इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। आगे हमारे पास एनर्जी क्या है, जो कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब है, दैट इज एम सी डेल्टा टी। अगर आपको मतलब पावर गिवन हो 100 वाट, तब आपको क्या करना है, उसको क्या करोगे आप, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा
देन हम उस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे एम सी डेल्टा टी। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटरी। कैलोरी मीटरी क्या था? मेजरमेंट ऑफ हीट था, हीट को मेजर करता था ये। अब आपके पास आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटरी, कि जो कैलोरी मीटर है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटरी के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास जो हॉट बॉडी होती है वो क्या करेगी, हीट को लॉस करेगी, और जो कोल्ड बॉडी है वो क्या करती है, हीट को गेन करती है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटरी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटरी, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू किसके होता है, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। जितनी हीट हॉट बॉडी लॉस करेगी वो किसके इक्वल होगी, जो कोल्ड बॉडी कितनी हीट को गेन कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इसके ऊपर बेस है हमारा। प्रोवाइडेड क्या होता है यहाँ पे कि कुछ भी हीट हमारी लॉस नहीं होती, प्रोवाइडेड देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। और इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या हुआ, फंडामेंटल प्रिंसिपल इसका क्या हुआ, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देन हमारे पास आते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है आपके पास हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कैपिटल सी इज इक्वल टू माना होता है एम सी, वेयर स्मॉल सी क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एम क्या है हमारे पास मास, कैपिटल सी क्या आपके पास थर्मल कैपेसिटी। यहाँ पे क्या था, वहां पे जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे थे, स्पेसिफिक मीन्स वहां पे पर यूनिट मास लेते थे हम, 1 ग्राम की बात हो रही थी वहां पे। बट जब हम हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी की बात करते हैं, यहाँ पे हम होल बॉडी की बात करते हैं। मीन्स इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज होल बॉडी बाय, इसमें पूरी बॉडी है जो आपका उसका आपको टेम्परेचर मेंस करना है, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कि जो आपके पास बॉडी है उसका टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, लाइक आपके पास गिवन है 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो हमें 20 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर राइज करना है। तब हम क्या लेंगे, सी इज इक्वल टू मास अब कितना है 20 इंटू में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम वाटर की पता है, दैट इज 4.2 joule per gram degree Celsius इंटू में 4.2, सो 10 जीरो से जीरो कैंसल, इट इज 84 joule। तो 20 ग्राम वाटर का कितना आ गया हमारे पास थर्मल कैपेसिटी, दैट इज 84 joule। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज लेटेंट हीट, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटरी, देन हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारी टर्म है दैट इज द लेटेंट हीट। अब देखिए लेटेंट हीट में क्या है, हीट कैपेसिटी है जो, और लेटेंट हीट, ये दोनों इंटायरली डिफरेंट टर्म्स हैं। अब लेटेंट हीट के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, अगर हम एग्जांपल से इसको समझते हैं पहले, लेटेंट हीट, लेट आपके पास क्या है यहाँ पे आइस है, 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, आपने इसको क्या किया, हीट किया। जब हम आइस को हीट करेंगे तब क्या होगा, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, बट इसका जो मास है वो सेम रहेगा 1 ग्राम, और टेम्परेचर भी कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। मींस हीट देने भी आपके पास ना तो उसके मास में कोई चेंज आई, और उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहा इस केस में, कांस्टेंट रहा। जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है
तो जो हमारे पास हीट गिवन थी वो कहां पे यूज हो गई, टू चेंज द स्टेट। यहां पे ये क्या थी, हमारे पास सॉलिड स्टेट थी, यहां पे लिक्विड स्टेट में चेंज हुई। तो यहां पे जो हीट है उसने क्या किया, इसका फेज या स्टेट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब हमारे पास जो हीट है वो क्या करे, उसका फेज या स्टेट चेंज करे, उसी को हम क्या करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस स्टेट को हम क्या कर लेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जो ये हीट है इसने क्या किया, मींस इसने ब्रेक किए, ब्रेक द बॉन्ड्स, और या फिर दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, वीकर द बॉन्ड्स। जो भी बॉन्ड्स थे उसको इसने क्या कर दिया, वीक कर दिया, या फिर उनको क्या कर दिया इसने, ब्रेक कर दिया। सिमिलरली इसकी दूसरी एग्जाम्पल लें अगर हम, दूसरी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, मान लो आपके पास यहाँ पे वाटर है 1 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन आपने इसको हीट किया, देन हमारे पास वाटर है 1 ग्राम। वाटर से क्या बन गया यहाँ पे, वाटर वेपर्स। हीट देने पे ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स, बट इसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन यहाँ पे इसने क्या किया, इसकी स्टेट चेंज की, सो इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट अगर हम रिवर्स स्टेट में आए, दिस इज अवर गैसियस स्टेट एंड दिस इज अवर लिक्विड स्टेट, तब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। दिस इज अवर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड अगर रिवर्स प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट को हम डिनोट करेंगे एल से। ये क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड किसके लिए, पर यूनिट मास, और क्यू इज इक्वल टू एम एल, वेर एम क्या है हमारे पास, यूनिट मास, क्योंकि यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अगर हम स्पेसिफिक वर्ड लगाते हैं, स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है, 1 यूनिट मास, तो यहाँ पे ये क्या है, 1 ग्राम मास। एल क्या है यहाँ पे आपके पास, लेटेंट हीट, और क्यू क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। क्लियर है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, देन थर्मल कैपेसिटी, देन दिस इज अवर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक हमारे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेडिएशन, कंडक्शन एंड ब्लैक बॉडी एटसेट्रा। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो केयरफुली।